वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ईटैब्स में बीम को प्लेस करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ईटैब्स में स्लैब को ड्रॉ करते हैं या फिर प्लेस करते हैं, जो भी है देखते हैं। इसके लिए ईटैब्स में दो तीन आइकन है। इन तीनों आइकन का अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहले मैं इस आइकन को यूज़ करूँगा जो जनरली स्लैब बनाने में मैं यूज़ करता हूँ। जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपको सेक्शन चूज़ कर लेना है, जो भी थिकनेस का आपने डिफ़ाइन किया था। हमने 125 mm का एक स्लैब डिफाइन किया था, उसको पे क्लिक करके इसको चाहें तो हम लोग क्लोज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, हाँ फिर क्या करना है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक को छोड़ना नहीं है, जस्ट होल्ड करके रखना है और उसके डायगोनल साइड में, अपोजिट डायगोनल साइड में जस्ट आपको नोड के पास क्लिक को रिलीज़ करना है, तो ये आपका स्लैब बनकर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, आप चाहें तो इस तरह से भी इसके अलॉन्ग भी बना सकते हैं, इस डायरेक्शन से भी। जस्ट हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक को बस रिलीज़ नहीं करना है, जस्ट क्लिक को यहाँ पर आकर ऐसे रिलीज़ करना है। सेम यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड एंड देन रिलीज़। तो ये तरीका था स्लैब को बनाने का। दूसरा भी हमारे पास टूल्स है, इससे भी हम लोग बना सकते हैं। हमने यहाँ प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट किया हुआ है, इसको क्लोज़ किया। जस्ट आपको क्या करना है, ये अगर आप इस टूल्स का एक बेनिफिट ये है कि जैसे ही इसको एक ग्रिड एरिया इसे मिलेगा, जस्ट वहाँ पे आपको एक क्लिक पे एक स्लैब बनाकर दे देगा। सेम यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये मेरा स्लैब बन गया, यहाँ पे स्लैब बन गया, यहाँ एक स्लैब, यहाँ पे एक स्लैब। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लिविंग एरिया में स्लैब 1, 2, 3, 4 पार्ट में बन गया। तो ऐसी कोई दिक्कत का बात नहीं है, स्लैब का काम है लोड को ट्रांसफ़र करना बीम के ऊपर। तो हम लोग ये क्या करेंगे, जब भी इस पे लोड असाइन करने वाले होंगे तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे इस बीम के पास, है ना। तो क्या होगा कि लिविंग एरिया का लोड अलग होगा, यहाँ पे जो बालकनी है उसका लोड अलग होगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये कंटिन्यूएशन में है तो हम लोग उसको आगे जाकर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं ये पहला वाला टूल लेता हूँ और यहाँ पर जाकर क्लिक किया और यहाँ रिलीज़ किया, फिर से यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर रिलीज़ किया। सेम तरीका, यहाँ क्लिक एंड रिलीज़, क्लिक एंड रिलीज़, क्लिक होल्ड एंड रिलीज़। सेम यहाँ पे करना है, इस तरह से हम लोग स्लैब को ईटैब्स में बना लेंगे। क्लिक एंड रिलीज़, क्लिक एंड रिलीज़, क्लिक एंड रिलीज़, क्लिक एंड रिलीज़। तो ये हमारा स्लैब बनकर रेडी हो गया, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे, आप यहाँ जो टिक का आइकन है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू बाय कलर ऑफ, यहाँ अगर हम लोग सेक्शन प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमने जो सेक्शन डिफाइन करते समय कलर जो भी इनपुट किया था, जैसे कि हम लोग, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जाकर स्लैब का सेक्शन में 125 मॉडिफाई, ये ब्लू कलर का था तो ये ब्लू कलर का हमें दिखाएगा। जिस सेक्शन का कलर जो हमने चूज़ किया था वो कलर में आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसका मैं चेंज करके ये थोड़ा लाइट कलर कर लेता हूँ, ये ओके, या फिर ये ग्रे हल्का लाइट ब्लू, तो ये देखिए इस तरह का हो गया ये। और ये बीम का कलर हमने क्या किया था, जो बीम का कलर यहाँ पे बीम ये है, इसका ग्रीन ग्रीन था तो हमें ग्रीन शो हो रहा है, कॉलम का ऑरेंज किया था तो ऑरेंज शो हो रहा है। तो इससे हम लोग कलर से आइडेंटिफाई करने में आसानी होता है। अगर बहुत डिफरेंट तरह का बीम होता है तो उसका हम लोग अलग अलग कलर दे देते हैं और उससे आइडेंटिफिकेशन में इजी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे स्लैब डिफाइन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोड कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे फ्लोर लोड
और वॉल लोड को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम लोग इस मॉडल पे उस लोड को अप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।